बुढ़ा जी को आए भोले का आशीर्वाद, बुढ़ा जी को प्रणाम और बूढ़ी जी को प्रणाम। तो क्या हाल चाल सबके, फिर आ गए एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो मैं आज आ रखा हूँ इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF, और इस समय वो मैं मेट्रो के नीचे। एक्चुअली मैंने घर से ब्लॉग इसलिए बनाया कि ब्लॉग ना ज़्यादा लंबा बन जाता है, तो मैं शॉर्ट में बनाता हूँ। अभी मैं कन्फ्यूज हो रहा था, मुझे इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। कन्फर्म करता हूँ कि मैं बहुत बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद आ रहा हूँ। मैं पिछले आया था, पिछले मैं मेन रोड से आता हूँ, हमेशा गाड़ी में आता हूँ, बट मैं आज मेट्रो से आया हूँ। अब देखना पड़ेगा, मुझे टिकट ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी या तो मुझे कार्ड दिखाना पड़ेगा। कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं लेंगे मेरे ख्याल से। चलो एक बार एंट्री लेता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको बाद में, बाय। तो फाइनली मैंने अभी एंट्री ली है। एक्चुअली हुआ क्या, मैं गेट नंबर उस तक 3 में चले गया था, फिर उधर से पूरा घूम के मैंने बस पकड़ी है आगे से, फिर वहाँ से घूम के फिर इधर आया गेट नंबर 5 में। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली मेरा कार्ड है, बहुत VIP कार्ड है, कहीं फ्री चलता है, तो वो दिखाना था बस मुझे, वो दिखाया तो एंट्री होगी मेरी। मुझे कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और आपको टिकट लेनी है, बच्चों के लिए 40 रुपये टिकट है, और अगर आप मंडे टू फ्राइडे आ रहे हो तो आपको टिकट पड़ेगी एडल्ट के लिए, नॉन वीकेंड, जो वीकेंड नहीं होता सैटरडे संडे, आपको पड़ेगी 80 रुपीज़ ही पड़ेगी। और आप सैटरडे संडे आते हो, अब मैं ये कहूँगा कि सैटरडे संडे टिकट आप पहले ही बुक करवा लेना, क्योंकि बाद में अवेलेबल नहीं मिल पाती। तो उसकी टिकट होगी 150 रुपये है, उसकी टिकट 150 है, तो आप ले सकते हो। पेटीएम से ले सकते हो आप, पेटीएम में अवेलेबल है। और बाकी मैं एंट्री लूँगा, अभी देखता हूँ क्या क्या है। बढ़िया बता, बहुत दिमाग ख़राब हो गया, इतना घूम के आना पड़ा मुझे, डबल पड़ गया मुझे आने जाने का। बाकी भीड़, ओवरऑल भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है, और दिखाता हूँ मैं भीड़ में। इधर इन्होंने जो पहले ये नहीं बना था, पहले उस तरफ वाला बना था, तो पहले अब इन्होंने ये प्रॉपर बना दिया है, तो भीड़ अच्छी खासी है। इधर से आना था मुझे, पर मैं इधर से नहीं आया, मुझे घूम के आना पड़ा पूरे तरह से। मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ एक बार। तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, इन्होंने बाहर का व्यू बैठने का ही बहुत अच्छा बना रखा है, और इतना एक वाटरफॉल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैं प्रॉपर इसे बताऊँ तो ये है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, फोर्थ है मेरे ख्याल से, हाँ फोर्थ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। और एक बार गया नहीं अंदर, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स आ गए थे, वो गए थे अंदर, तो उन्होंने बताया कि ठीक ठाक है। तो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि अंदर क्या क्या लगा रखा है, उन्होंने क्या शोकेस है। और चलते हैं फिर अंदर और एंट्री लेते हैं अंदर, और दिखाता हूँ मैं आपको कि अंदर का माहौल कैसा है और क्या क्या इधर हमने रखा। ये लिखा है सामने, फोर्थ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, यही है। और ये 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 27 नवंबर तक है ये, तो 27 तक आप आ सकते हो यहाँ पे। बाकी ये मैं एंट्री ले रहा हूँ इसमें, अंदर घुसते ही पहला फर्स्ट व्यू लुक ये है, और इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। मतलब एंट्री का व्यू इतना अच्छा कर रखा ना, मस्त लग रहा है, और लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है। GST कस्टम पवेलियन, वेलकम टू द GST एंड कस्टम पवेलियन, यहाँ लिखा है वेलकम टू द GST कस्टम पवेलियन। तो एंटर लेते हैं, और एंटर होते ही वैसे तो बहुत बड़ा है ये, तो यहाँ पे आपको मुझे पर्टिकुलर वाइज एक तरफा दिखाना पड़ेगा इसे यहाँ पे। और आपके किचन के लिए सेट रखे हुए हैं यहाँ पे, आप बर्तन ले सकते हो, वाटर बॉटल ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। मैं दिखाऊंगी बॉटल, इसका प्राइस क्या है, 470 इसका प्राइस है। नॉर्मल फिश बॉटल है ये, इसको ओपन करोगे, एक बार ओपन करोगे, सिंपल ये जैसे हम वाटर बॉटल यूज करते हैं फिश के लिए ठंडा पानी करने के लिए, वो है ये। बाकी इसका प्राइस क्या है, 992। इसमें वार्म वाटर या कोल्ड वाटर के लिए दोनों के लिए होता है ना, ठंडा करने के लिए, अब ठीक है, हैवी है बहुत ज़्यादा। और ये किसके, ये भी सिंपल, सॉरी ठंडा गर्म, ये ठंडा गर्म, इसका उससे लो प्राइस में, ये दोनों सेम ही है, 786 का प्राइस है। फर्स्ट एंटर होते ही आपको फर्स्ट शॉप सेकंड शॉप में दिखेगा टाटा स्टील, और यहाँ पे दिखा रखा है, देखो यहाँ पे टाटा स्टील की मजबूती दिखाएंगे हम आपको, टाटा स्टील है ये,
टाटा सर की मजबूती दिख रही है आपको, उठाने से पता चल रहा है कि भाई साहब आप यकीन मानो मेरा हाथ पूरे कांप रहे हैं इस समय और बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है। मतलब पता चल रहा है टाटा स्टील है कुछ ऐसे है इसका लोगो टेम्पलेट जो भी है, मतलब एक बच्चा इसको नहीं उठा पाएगा, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। अगर वो 9 साल का होगा वो मुश्किल उठा पाएगा इसको, बहुत भारी है ये, मतलब मैं ऐसे ही उठा पाया, प्रॉपर बहुत जान लगानी पड़ रही है इसमें। अच्छा यहाँ पे प्रॉपर मैं आया हूँ अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना एक लगा रखा है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड स्कीम 2021 और इन्होंने यहाँ दिखा रहा है कि ये एक नोट की पहचान आप कैसे कर सकते हो अलग तरीके से, ये 1 से लेकर 12 तक है यहाँ पे, तो इस तरह की नोटों की पहचान आप कर सकते हो। यानी ये अंकल कुछ अलग ही लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलग लग रहे हैं कुछ अंकल, ये कुछ अंदर इफेक्ट्स दिखा रहे हैं वो, उन्होंने उनकी आंखों में लगा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आगे देख सकते हो और दिखाएंगे टीवी में पूरा दिख रहा है कि वो क्या क्या देख रहे हैं इस तरफ। और यहाँ पे छोटे डोरेमोन से, डोरेमोन तो नहीं क्या है जो भी है, ओवरऑल अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अभी बहुत बड़ा है मुझे पूरा घूमना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि कैसा है, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब इस समय चालू सही ठीक है, अगर आप सैटरडे संडे आओगे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको, स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए, यहाँ पे कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा है, देखते कौन सा कॉन्टेस्ट चल रहा है। यहाँ पे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा है, सामने वो एक शर्ट मिल रही है, तो जो भी यहाँ पे कॉन्टेस्ट का सही जवाब देगा उनको ये शर्ट मिलेगी। और ये मैम कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन, कॉन्टेस्ट खेला जा रहा है, कुछ मैचेस पास हो रहे हैं वही बच्चों वाले गेम, और ये आगे इधर लाइन है जहाँ से मैचेस पास होंगे यहाँ तक चलेंगे, आप जो भी हो समझे। जो सुन लिया सुन लिया एक बारी में, और जो नहीं सुना कुछ और समझो, कुछ और उसका आंसर दो। अच्छा ठीक है, बाकी चलते हैं आगे हम और देखते हैं क्या क्या है सामान। ये हम अंडर एंटर होते हैं, कुछ स्टार्टिंग में टॉयज हैं बच्चों के अलग सेट, यहाँ पे अलग उसका अलग बना हुआ है, यहाँ पे यहाँ प्रॉपर जो आप जो न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं उनका इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे अंदर आपके कपड़े ड्रेसेस वेसेस हैं, कारपेट है यहाँ पे, यहाँ पे आपकी साड़ियाँ होंगी अलग अलग कपड़ों के, यहाँ पे आपको कप्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कप्स हैं ये, मैं आपको कप्स दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ पे कप्स दिख गए आपको ग्रोसरी के, बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, और आप सर्व के लिए बेसिकली, बाकी अलग अलग यहाँ शॉल्स हैं यहाँ पे, ये बैग कपड़ों के पर्स रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ अलग तरह का खाने पीने का सामान रखा है, नींबू रखे, नींबू है ये नींबू है, और सबसे तीखा वाला मिर्ची का ये तीखा तीखा अचार है, और इंग्रेडिएंट इसमें भी अच्छे डले हुए हैं। बाकी ये है आपका लीफ पाउडर, ये भी अच्छा है। सौरभ कितने का ये? 180 ग्राम। ये आप जो प्रोडक्ट बनाते हो ये पहाड़ों के हैं या वैसे आप पहाड़ों किधर के हैं? असम के हैं। बहुत बड़ा है यार, मतलब आप अगर आप घूमोगे ना तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे प्रॉपर पूरा घूमने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और आपको टाइम चाहिए घूमने के लिए। ये कुछ यहाँ पे लॉक रखी हुई है यहाँ पे अलग अलग घर पे डिजाइन्स के लिए, और ये कुछ आर्टिफिशियल्स हैं जो आप अपने टेबलों पे या अपने शोकेस में आप लगा सकते हो, इसमें दिखने में अच्छा लगेगा आपको। बाकी अलग अलग यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये आप अपनी जो भी कीज हो गई या कुछ चीज़ें होंगी आप उसको आप इसमें अटका सकते हो, आराम से लगा सकते हो दीवार में। मिरर्स हो गए अलग तरह के, वर्ल्ड डिजाइनिंग मिरर्स हैं वहाँ पे, ये चाबी के छल्ले जो आप ले सकते हो,
यूज़ करने के लिए। बाकी आगे चलते हैं और आपको कुछ दिखते हैं तो देखते हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हमें मिले देखने को तो भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे अभी आए, यहाँ पे परफ्यूम है अलग तरह के, रोज़ स्मेल भी अच्छी आ रही है। ये आपको इस तरह से आप इसे इत्र बोल सकते हैं, आप अपने शर्ट पे अपने बॉडी पे भी आप मलोगे तो ये निकलेगा, इसमें इधर से ऊपर ये निकलेगा। ये अगर मैं इसे हाथ में ले रहा हूँ तो ये देखिए ये निकल रहा है, ये स्मेल भी अच्छी है इसकी। बाकी ये इत्र है, ये इत्र है, मैं इत्र दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये इत्र रखे हुए हैं, देख लो क्या। बाकी यहाँ आपको दिखाते हैं मखाने, यहाँ पे आपको मखाने दिख जाएंगे अलग अलग तरह के, यहाँ मखाने हैं। ये कितना है? उसका कलर अलग। ये मखाने कौन से हैं? ये कौन से मखाने हैं? रोस्टेड मखाने, ये रोस्टेड वाले मखाने हैं और ये सिंपल वाले मखाने हैं। इनका प्राइस क्या है? 150 रुपए का दोनों, बोथ जी। इसका प्राइस कोई भी अच्छा है 150 रुपए का। और ये पैकेट वाले, ये आपका 500 रुपए का दोनों। शायद मुझे ये क्या है सर, ये क्या है? सत्तू, ओहो सत्तू है ये। सत्तू के पराठे कभी खाए होंगे आपने? मैंने मम्मी ने मेरे सत्तू के पराठे बताया, हम सत्तू के पराठे बहुत खाते हैं। तो बिहार के लोग सत्तू की तरह यूज़ करते हैं मीठी मीठी के लिए, ताकि ये कुछ सेकंड भैया, ये कुछ है अपना होल्डिंग लगाने के लिए या कहीं भी लगाने के लिए आराम से। और ये भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। साइड है चम्मच, देखिए आप ये चम्मच बहुत ज़्यादा हैवी है और डिज़ाइनिंग अलग है इसमें देखो। मतलब आप एक शोकेस के लिए यूज़, मतलब जो मेन आप कोई गेस्ट आते हैं उनके लिए आप इसे निकाल सकते हो, बहुत दिखा सकते हो आराम से। बाकी कुछ पेंटिंग्स हैं और अच्छी लग रही है पेंटिंग्स। ये कुछ ग्रॉसरी हैं, एक कप है यहाँ पे और एक कप मुझे ज़्यादातर मुझे हैंडमेड, ये पूरे हैंडमेड लग रहे हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये प्राइस क्या है इनका? 50 रुपये सिंगल पीस। और आप बल्क में लेते हैं तो सेम प्राइस? अगर आप बल्क में लोगे सेम प्राइस है, और ऐसे लोगे सिंगल से 50 रुपये का एक है, मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि कॉस्टली है। अगर आप बाहर से लोगे तो आपको वहाँ सस्ते पड़ेंगे, बट एक्चुअली होता है ना यहाँ पे अगर आप अंदर लगाने में लेके आओगे तो टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो टैक्स ये इनमें इंक्लूड कर देते हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे महंगा मिलता है। अगर आप बाहर जाओगे तो आपको 25 या 20 रुपीज़ का मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए वैसे, क्योंकि मैंने ले रखा है कई भाई जिनके पास रहता है, कई लोग उनसे पूछता हूँ ये वाले कपड़े अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है और गर्म भी रहती है चाय में, चाय हो कुछ भी हो गया, चीज़ पानी हो गया, बहुत चीज़ें गर्म रहती है, तो रुकने भी आ रही है। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है आगे। बाकी यहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें रखी हैं, ये क्या है? तमिलनाडु से है, ये क्या है? ये जो सब्जी वगैरह डालने के लिए अच्छा, कुछ पत्ते से कह रहे सब्जी में यूज करते हैं इसे ग्रेडेंट के लिए कुछ भी। और ये वेज जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर है यहाँ पे, मसाले है ना, तो मसाले इनका सिंगल प्राइस कितना है? 40 रुपीज, 30 रुपीज, सॉरी अपना आपका ये 36 रुपये का, हाँ 36 रुपये का, ठीक है 10% 36 रुपये का पड़ेगा हमें। और यहाँ पर अलग तरह की आपको अच्छी पिकल्स है, ये मिक्स, ये आ गया SBI। अबे इनको इसलिए बोलते हैं काम धाम कर लिया करो, ये यहाँ पे बिजी रहते हैं इसलिए इनका प्रोसेस स्लो चलता है। और ये कुछ गेम चल रहे हैं यहाँ पे, गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। चलो तो अभी मैं उधर का जहाँ से एंट्री हुई थी उधर का पूरा, मतलब पूरा घूम चुका हूँ, मैं दिखाता हूँ। मैं इतना भी नहीं घुमा हूँ, ओवरऑल घूम रहा हूँ LIC का यहाँ पे, इतना ही पूरा इलाका घूम चुका हूँ मैं अभी।
अभी यहाँ चलता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ से क्या क्या रह गया मेरे आगे का फ्रंट का। ये इंडियन रेलवेज, तो मैं आपको इंडियन रेलवेज का लुक दिखाता हूँ। शायद यहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी है, देखते हैं घुसते अंदर और दिखाते हैं आपको उस लुक, इंटरेस्टिंग लुक होगा कुछ अंदर। इंडियन रेलवेज के अंदर एंटर हुए हैं। ये आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी नहीं आई है वो हो रही है, और ये आपका चेनाब ब्रिज के ऊपर जो नया अभी जो अपना ब्रिज बना हुआ है ट्रेन के लिए, इतना बड़ा है ये है चेनाब तक ही नीचे सेंटर में इधर से। और ये क्या है, प्लीज डू नॉट टच, मैं टच नहीं करूंगा। यहाँ है अयोध्या रेलवे स्टेशन, जो अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन का लुक है वो इस कदर है जिस तरह ये बना रहे हैं। और ये कुछ ऐसे है जहाँ से गाड़ी अंदर जा सकती है, मतलब कि इस स्टेशन को भी ऐसे मंदिर का लुक दिया गया है कि लगते ही बहुत अच्छा लगे ये। तो यहाँ पे सेंटर में फ्लैग है, फ्लैग के बाद ये आपकी एंट्री होगी यहाँ से, और बुलेट ट्रेन, ये आपकी इधर बुलेट ट्रेन है। और अहम बात इस ब्रिज की ये है, चेनाब ब्रिज वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, और इसके लुक से ही आपको इसके नाम का पता चल रहा होगा, बहुत बड़ा है। हमें लग रहा है छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा है ये अंडर वाटर मेट्रो टनल, ये अंडर वाटर मेट्रो टनल का काम चल रहा है ये। देखो आप, जैसे मेट्रो जाएगी अंडर वाटर का काम चल रहा है ये। कहाँ चल रहा है भैया, देख लो ना, तो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, ये लटके हुए घर पे आप लगा सकते हो। और एक बार चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड, और यहाँ पे घुसना पड़ेगा यहाँ पे कुछ ऐसे ही। यहाँ पे ये कुछ डिजाइन हैं, आप अपने टेबल्स में या अपने शोकेस में लगा सकते हो। मेरे ख्याल से ये बाहर के हैं, फॉरनर हैं। Where are you from? Turkey. Sorry? Turkey. Okay. तो ये टर्की के लोग हैं यहाँ पे, ये मुझे लग ही रहा था कि बाहर के अपने इंडियन में इतना वो नहीं है, टर्की लग रहा था मुझे, बना रहे टर्की के, मतलब सारे लोग यहाँ पे टर्की के हैं, उन्हें हिंदी समझ नहीं आ रही है, बस वहाँ पर लोग प्राइस बोल रहे थे, प्राइस से बना कि 3000-4000 ऐसे ऐसे बोल के ऐसे ऐसे अनुमान लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है ओवरऑल। तो ये भाई बात करने को राजी नहीं है, वीडियो के लिए मना कर रहे हैं और ज़्यादा भाव खा रहे हैं, इनको ये नहीं पता चलना है तो वीडियो में आना ज़रूरी है। तो बात बाकी ये कुछ थाईलैंड, अच्छा यहाँ पे जो ये है ये अलग इसका है, कुछ ज्वेलरीज है यहाँ पे ज्वेलरीज हैं थाईलैंड की है, और अच्छी लग रही हैं बहुत ज़्यादा ये। हाउ मच, 500 विथ इयररिंग्स, ओके व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल यू आर यूज, सॉरी ओके स्टाइलिश, ये थाईलैंड के एक स्टाइलिश मटेरियल यूज करते हैं इसमें, और बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ, ये 500 का, इसके साथ आप ये इयररिंग्स ले सकते हो, इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ लगे, ये जितनी भी यहाँ पे स्टॉल लगी हुई हैं ये सारी फॉरेन की स्टॉल हैं, थाईलैंड अफगानिस्तान कोरिया ये सारी थाईलैंड की यहाँ पे इंटरनेशनल यहाँ पे लगी हुई है। और ये है अफगान नेचुरल ड्राई फ्रूट्स, ये है अफगान के लोग, और यहाँ पे इनके अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये काजू हैं और ये चेरी हो गई, ये आपके पता नहीं किसके सीड्स हैं पता नहीं, और यहाँ पे एक किसमिस हो गई,
और अलग तरह की यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे अलग, वहाँ पे भी कुछ अलग तरीके की चीज़ें रखी हुई है। स्वाद अलग आ रहा है और टेस्ट भी अलग है। प्राइस के हिसाब से अच्छा है ये। पम्पकिन सीड्स हो गई आपकी और ये काजू हो गए। काजू में है 1200 kg के आसपास हैं ये और अच्छा है ओवरऑल। और कुछ दिखाते हैं अलग से हम। ये किशमिश हो गए इनके, किशमिश यूनिक है, मतलब आपको टेस्ट का अलग आएगा यहाँ पे। रेट बाकी ओवरऑल अच्छा है यहाँ पे। व्हाट इज दिस, व्हाट इज नेम? आप है कौन? Apricots, sir. Apricots, okay. Apricots, three varieties. One varieties, two varieties, and three varieties. Okay. This is the dry, इसके अंदर बीज है. Okay. इसके अंदर बीज नहीं है. Okay. और दो apricot को roll करना क्या? This item, sun dry. Okay. Three items. This is a dry cherry, this is a dry cranberries. This is the, हिंदी में बोला तो आलू पुकारा. आलू? आलू पुकारा. आलू पुकारा? आलू पुकारा बोला जाता है हिंदी में. Okay. This is a black berries. ये सारे आपके अडवानी प्रोडक्ट हैं? इस ऑल आर अडवानी प्रोडक्ट नॉन इंडियन सर, अफगानी सर, अफगानी। ओके, एंड चाय का प्राइस क्या है? 1400 ऑन केजी, 500 ब्लैकबेरी। आलू बुखारा है भाई, आलू बुखारा मैंने बहुत सुना है इसका नाम। आलू बुखारा मतलब कि मैंने एक चैनल में देखा था आलू बुखारा, बहुत सुना था नाम उसका। और टेस्ट बहुत अच्छा था, मैंने अभी टेस्ट किया था, मैंने दिखाना भूल गया। टेस्ट बहुत अच्छा था, मैंने खाया था, हल्का सा टेस्ट किया। और यहाँ पे भी सेम है काजू, सोकेट सोकेट और यहाँ पे इसको, मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, उसका टेस्ट बताऊँ टेस्ट करता है। का स्वाद और मीठापन और अलग ही, आप जब खाओगे स्मेल अलग आ रही है उसकी खाने की। तो स्ट्रॉबेरी अच्छी है, मैंने एक बार शायद यूपी की स्ट्रॉबेरी ट्राई करी थी, मेरा एक फ्रेंड लेके आया था और मैंने बहुत ट्राई करी थी उसे। मतलब आप जितना ऊपर चले जाओगे उतनी स्ट्रॉबेरी आपको अच्छी मिलेंगी वहाँ पे। मैं समझ आ रहा, अगर लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे, टेस्ट करते करते लोग सारे ही खा जाएंगे। इसलिए कहता हूँ मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं करी, मतलब कि मैंने ठीक ठाक है, मैंने भी टेस्ट करे, पर मैंने मीडियम टेस्ट करे कि ज़्यादा बारिश पड़ जाएगी, बहुत गर्म गर्म होती है सर्दियों में, तो मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं करा था, कम टेस्ट करा मैंने इसे। बाकी ओवरऑल भीड़ बहुत ज़्यादा, अभी भी एंट्री चल रही है यहाँ साइड से। यहाँ पे आपको एक तरह से एनवलप टाइप मिल जाएंगे, डायरी है शायद, ये डायरी है, ये देखो आप डायरी है, पॉकेट डायरी है। पॉकेट डायरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आप पॉकेट डायरी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका प्राइस क्या है मैम? 100 कोई नहीं सब, तो मुझे मैम बोल दिया है ना गलती से, इसका प्राइस है 100। पॉकेट डायरी मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हैंडमेड बैग्स हैं, ये हैं आपके हरियाणा के, और एक बार मैं इनका प्राइस पूछता हूँ। आंटी इनका प्राइस क्या है? 100 रुपये। ये सारे हैंडमेड है? 250 रुपये है। अच्छा, मैं पूछता हूँ इनमें हैंडमेड कौन सा है इनमें से। आपके पास हैंडमेड बैग्स भी होते हैं? हैंडमेड बैग्स सब हैंडमेड है, ये सारे हैंडमेड बैग्स हैं ये। और इनका प्राइस क्या है? 50 रुपये। मैंने इन्होंने डिज़ाइन किया, अगर आप सिंपल लोगे, सॉरी बड़ा वाले का 60 रुपये, अगर आप बड़ा वाला लोगे 60 रुपये, छोटा लोगे 50 रुपये, मतलब सारे हैंडमेड है। और आप इतने अच्छे डीएम जाओगे उतने ये कॉस्टली बढ़ जाते हैं, ये 250 के हैं। हम ये सोप है शायद, ओके ये सोप है, इसकी स्मेल देखता हूँ एक बार मैं, स्मेल भी अच्छी है इसकी, ठीक था। ये चंदन की शायद आई थी, चंदन का ये वाला है, ओके चंदन का है, स्मेल है, मैं चंदन ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसका प्राइस क्या है? ये 70 का, ये 70 का है। आप कोई कार्ड है, मैं कार्ड दिखा दो, आप ऑर्डर भी करते हो? कार्ड ये है, व्हाट्सएप भी आप करके ऑर्डर कर सकते हो, सोप शैम्पू बॉडी बटर बॉडी लोशन सब मिलेंगे। मैं कार्ड रख लेता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, मतलब
लाइक सोप वो शैम्पू वैम्पू शैम्पू भी आपके पास ये शैम्पू ये सारी नेचुरल है मतलब कि आयुर्वेदिक जो भी चीज़ है मतलब कोई केमिकल इसमें इंक्लूड नहीं है मतलब मिक्स नहीं है भाई ये सारी आयुर्वेदिक है तो जिसको भी आयुर्वेदिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो ओल्ड हो गए उनको ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ ज़्यादा पसंद आती है तो आप इनसे परचेज कर सकते हो उसका नाम क्या है नेसर नेसर इज़ अ ब्रांड नेम है ये नेसर का ब्रांड नेम नेसर है और सारे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं कोई आपको इसमें मिलावट नहीं मिलेगी कोई केमिकल नहीं मिलेंगे तो आप ऑर्डर कर सकते हो कुछ टोकीज हैं ये भी और ये कुछ ऐसे हैं अच्छे लग रहे हैं ये भी ये क्या है इसका यूज़ किस में होता है भैया इसका यूज़ किस में होता है कैंडल कैंडल में जैसे इसका यूज़ होता है सारे कैंडल प्रोडक्ट है क्या हाँ सारे कैंडल प्रोडक्ट हैं देखो आप कैंडल आप इकट्ठा कर सकते हो यहाँ पे कुछ ये तीर्स हैं सब हैंडमेड देखो ये मेकुलर है सामने आपका 50 रुपीस 50 का 6 है 50 के 6 शूट के सामने प्राइस रखे हुए हैं वो 2250 का है ये 1950 वो 1150 का है वो 1050 का है ये प्राइस देखे हुए हैं यहाँ पे आपको खाने की चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ज़्यादा रबड़ी वबड़ी सब मिल जाएंगी आपको यहाँ पे आप दिखाइए रेबड़ी पट्टी मूंगफली की पट्टी है कॉकरोच के लिए आएगा छिपकली के लिए आएगा बुला लो छिपकली बनाने के लिए है ना पेस्ट है इसको ऐसे डॉट बनाना है एक दीवार में एक डॉट बनाओगे घर में जितनी भी दीवार है सब जगह पे डॉट बनाओगे दो महीने तक छिपकली घर में नहीं आएगी होगी तो भी घर के बाहर भाग जाएगी ये मारने का काम नहीं करेगा ओनली फॉर बनाने का काम करेगा 100% नॉर्मल क्या स्मेल से भाग जाएगा या कुछ चीजें हैं ऐसे आएगा इसकी स्मेल से भाग जाएगी या कुछ गोली आएगी गोली दो महीने चलेगी अच्छा हमें नहीं आएगी तो उसको स्मेल आएगी उस चीज की गोली आएगी टॉयलेट बाथरूम में किचन में बेसिन में अलमारी में कबाट में कहीं पे भी रख सकते हो 20 टैबलेट से अरे कुछ नहीं है नो साइड इफेक्ट नो स्मेल मैम को एक्सपीरियंस है नॉन पॉइजिबल है बोल रहा मैम आपको एक्सपीरियंस है हाँ आपको एक्सपीरियंस लगाने का मैम ने हर चीज भूल ली की सोडियम वोडियम लगा के मतलब की मैम ने बहुत ट्राई कर रखा है भगाने के लिए भगा नहीं मैम फुल कॉन्फिडेंस से बात कर रही ये डाला मैं लगा चुकी हूँ बाकी आयुर्वेदिक चीजें ये केरला के हैं इनकी सारी आयुर्वेदिक चीजें इलायची है उसका प्राइस क्या इलायची का 250 250 में का 950 में को कितना ग्राम है ये 100 ग्राम 250 का 100 ग्राम है ये बल्कि अच्छी आ रही है दिक्कत क्या होती है अगर अगर हम ले लें और बाद में ना है ना तो उस पैसे चुपते हैं ना वो पैसे मेरी वीडियो में डाल दिए नहीं नहीं बता रहा हूँ वैसे चुपते हैं ज्यादा झोली लेके चक्कर लो दो हफ्ते के अंदर का माल ऐसा दिखेगा एक प्याज इस छोटी का प्राइस क्या है जी मसाज का है ये कह रहे हैं कि दो हफ्ते का इनको चैलेंज देते हैं अगर ये आपके बाल ऐसे तो आपके बाल ऐसे आ जाएंगे दो हफ्ते में और लेडीज को बाल जो झड़ता है दिन में 10-12 सोने के मसाज करके सोने का सूर्य वाश करने का 5 दिन लगा दे दो पानी नहा के घंटे खा ले दो एक बाल टूटेगा ना एक बाल चलेगा बाल काटने से लंबा इसका प्राइस क्या है 600 रुपए का 100 रुपए डिस्काउंट 600 रुपए का 500 का डिस्काउंट लगा दे रहे हैं ये अंकल के हाथ में गुड़ गुड़ अंकल ये गुड़ कहाँ के हैं आप पहले ये गुड़ मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर आप मुजफ्फरनगर के हो ये गुड़ टेस्ट करते हैं हाँ बिल्कुल ये सब केमिकल फ्री है नहीं केमिकल नहीं है नहीं नहीं और ये अलग अलग प्रकार के हैं अलग अलग फ्लेवर में हम गुड़ बहुत खाते हैं घर में जी हम खाना खाने हमेशा गुड़ खाते हैं जी जी हमारा गुड़ भी मुजफ्फरनगर से ही आता है अच्छा अच्छा आप मुजफ्फरनगर किधर से हैं ये रसूलपुर जटान के अंदर ये प्लांट लगा हुआ है अच्छा तो आपको ऐसा प्लांट पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा देखो 19 स्टील ऐसे स्टील का हम भी गुड़ खाते हैं हमारा गुड़ भी यूपी से जाता है जी पापा पापा तो देखना
आप कार्ड दे दो मुझे अपना स्पेशली, कोई कार्ड हो आपको, कोई परस्पेक्टस हो, लेकिन आप जो है एड्रेस अपने फोन में रिकॉर्डिंग आपकी चल रही यहाँ से ले सकते हैं। ये इनका एड्रेस है, मैं एड्रेस दिखा रहा हूँ। ये हमने अपने जैसे कि जिंजर ये ब्लैक वाला क्या है, ये चॉकलेट दिखाने का जी, वो ट्राई करते हैं एक बार हम। ये चॉकलेट फ्लेवर है, गुड। प्राइस क्या इसका? 100 रुपीज। हाफ के जी, हाफ के जी 100 रुपीज। हमारे पास जो प्योर जामुन का सिरका भी है। अच्छा, जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो अभी खिलाया इसका प्राइस क्या था? ये 70 रुपीज हाफ के जी। जस्ट अभी ऐसे घूम ही रहा था और मुझे ये चिका वुडन टूथपेस्ट, और इसका प्राइस है कितना बताया आपने? 80 रुपीज। 80 रुपीज है इसका प्राइस है, 80 रुपीज वुडन। क्योंकि अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी ये। पर मैंने मतलब आपको ऐसी बताऊँ, बेनिफिट नहीं है क्योंकि अगर आप मुँह साफ करना मतलब बहुत ज़्यादा ये इसमें निकल जाते हैं बहुत जल्दी, बताए आपको, क्योंकि एक इन्होंने गम से चिपकाए होते हैं अंदर, और कभी आप खींचोगे ना तो ये निकल, और बिजली मोड़ भी जाते हैं, बताइए ये सीधे भी नहीं होंगे, दिक्कत में ये है। शर्ट है या आपके इयर रिंग्स यहाँ पे, चेन्स हो गई आपकी, इयर रिंग्स है यहाँ पे आपकी। बताए यहाँ पे एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी क्या लगती है, यहाँ पे जो भी आर्किटेक्चर बनाया जाता है ना, वो बहुत अच्छी तरह फिनिश की तरह बनाया जाता है, कि पहाड़ों के बीच आपको रेल निकलती हुई दिख जाएंगी, मशीन्स दिख जाएंगी आपको, यहाँ पे घर दिख जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे ऊंचाई पे आपको गाड़ी चलती हुई दिख जाएंगी। मतलब किस तरह इन्होंने अपना स्टार्टिंग, जब कोई भी चीज़ें वर्क करते हैं पहाड़ों पे हिल्स में, तो उससे पहले ये कुछ ऐसा आर्टिफिशियल या आप आर्किटेक्चर बता सकते हो बनाते हैं ये, कि आपको किस तरह आपकी बस वहाँ पर रहेंगी, किस तरह उतरेंगी, लाइटिंग कहाँ पर होंगी, मतलब ए टू जेड आपका पूरा ये दिखाते हैं बना के, बहुत अच्छा लगता है। ये है ऊपर से नज़ारा, मैं एक्चुअली मैं जाने वाला था बट मैं ऊपर आया, देखा यहाँ पे लोग आ रहे थे, यार आ गया। यहाँ पे आपके सारे फूड कॉर्नर लगे हुए इधर किनारे की तरफ, और भीड़ देखो इधर भी, जब लोग बैठे खा रहे थे तभी फूड कॉर्नर लगे हुए हैं आपके, चारों तरफ देख सकते हो आराम से। ये बैठने यहाँ बना रखा है, यहाँ पे ऊपर भी अच्छी खासी भीड़ है, ऊपर भी लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर का भी सीन है। यहाँ पे चलते हैं एक बार, देखते हैं क्या क्या है अंदर। तो फाइनली इस समय हम बाहर आ गए यहाँ से, और अब चल रहे हैं हम घर की तरफ। मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ से है ना वहाँ से निकलना, अगर मैं बैक साइड से निकल सकूँ तो मैं उस तरफ जाता हूँ, मुझे पता करना पड़ेगा मेट्रो की साइड की। मैंने आई थिंक गेट नंबर 3 था वो, तो गेट नंबर 3 मुझे पता करना पड़ेगा, गेट नंबर 3 किस तरफ है, क्योंकि उधर से निकलने के बाद सीधा मैं बाहर निकल जाऊँगा मेट्रो की तरफ, और ईजी पड़ेगा जाने के लिए। बाकी ओवरऑल मुझे, मैं आपको रिव्यू दूँगा, एक जगह बैठते हैं उसका रिव्यू देता हूँ, मैं इधर ही खड़ा होता हूँ। बहुत अच्छा था ये, और मज़ा आया, मतलब कि आप आ सकते हो यहाँ पे, बच्चों के 40 की आसपास टिकट है, एडल्ट के लिए 80 रुपीज़ की है, और अगर आप वीकेंड में आते हो मतलब सैटरडे संडे आते हो तो आपको पड़ेगी 150 के आसपास, और मंडे टू फ्राइडे आते हो तो आपको पड़ेगी आपको 80 रुपीज़, ठीक है। अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, आओ यहाँ पे, अलग कंट्रीज़ की आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, अफगानिस्तान अलग चीज़, बहुत अलग अलग चीज़ें की आपको, मतलब कंट्रीज़ की आपको, अलग अलग स्टेट्स की आपको यहाँ पे मटेरियल्स मिल जाएंगे, आगे देख सकते हो। अगर भीड़ तो मैं क्या बताऊँ, भीड़ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और सिक्योरिटी भी अच्छी है, ज़रा सिक्योरिटी भी टाइट है, और आप पता कर सकते हो किसी भी यहाँ से, इधर मैं इधर से आया था बट मैं जाऊँगा इधर से, आगे देखते हैं, चलते हैं बाहर की तरफ। और बहुत भीड़ है यार, देखो ना इतनी भीड़ है, कितने अभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा है बिल्कुल ही पूरा। यहाँ पे लोगों ने खाने पीने का बना रखा है, यहाँ पे हेल्थ कैंप भी है सामने, यहाँ लोग आके यहाँ पे कारपेट पर बैठ के खा सकते हैं आराम से, लोग खा भी रहे हैं, खाने की सारी यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है, और यहाँ लोगों के लोग नीचे बैठे भी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। इस तरफ भी स्टॉल लगी हुई है, इस तरफ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख रहा हूँ किस तरह भीड़ हो रखी है, मतलब कि लोग घूमने, आप घूमे हो गए, आप जब अंदर घूमोगे ना आपको घूमने के बाद भूख लगनी लगनी कुछ भी कर लो, क्योंकि बहुत बड़ा, एक तो बहुत बड़ा हॉल है और ऊपर भी नीचे भी है, तो लोग चल चल के थक जाते हैं, और उनको कंफर्म पता है कि लोग आएंगे तो खाएंगे ज़रूर, इसलिए उन्होंने छोले भटूरे रखे हुए हैं, छोले भटूरे कोई भी खा लेता है, बहुत सारे फेवरेट होते हैं बेसिकली, तो इतनी भीड़ हो रखी है, वो भी लग रही भूख, मैं अभी नहीं खाऊंगा यहाँ पे मैं,
मन नहीं कर रहा अभी कुछ खाने वाला, अभी खाए थे काजू किशमिश खा के ना पेट ही भर के मेरा, वो गुड़ भी खा ली मैंने, चॉकलेट वाला गुड़ खाया था मस्त लग रहा था ना, वो भी खा ली मैंने, तेरे ही सोचा था बट मैं क्या लेता यार, जब हमारे गुड़ आते ही पापा ले आते हैं, पापा क्यों लेके आया चॉकलेट के हिसाब से लेके आ गया, पैसे बेकार इसलिए मैं लेते नहीं गया, मैं छोटे रहेंगे। अब कहता हूँ बाहर निकलना रास्ता किधर से है, आपको आइसक्रीम के स्टॉल मिल जाएंगे, सब कुछ इधर भी, यहाँ पे कपड़ों का कुछ लगा हुआ है इस तरफ भी, तो हॉल 7 में बहुत बड़ा लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत बड़ा कमी नहीं है, बहुत बड़ा लगा हुआ है, इस तरफ भी है देखो, इधर भी है, उधर भी है, इधर भी है और इससे आगे भी है, उस तरफ बहुत बड़ा है, मतलब कि आप घूम घूम के थक जाओगे, घूम घूम के ही। बस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, आई होप आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा और ऐसे ही ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे, और लाइक करना, शेयर करना और ऑल्सो सब्सक्राइब करना ना भूले, बाय बाय, अब मैं आप चले लेता हूँ, जय हिंद, जय तकन, जय हिंदुस्तान, बाय बाय, साइन आउट।